आज जो हम बनाएंगे वो है परवल और आलू की रेसिपी। हम इसे स्टू भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले मैं इनके ऊपर से जो थिन इनकी लेयर होती है स्किन की, उसको निकालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे निकाल रही हूँ। ये पहले आप टिप्स को निकाल दें, उसके बाद स्लाइटली इसको स्क्रैच करना है, बस इसकी हल्की सी जो पतली स्किन है वो निकल जाए। तो इस तरह से मैं सारे परवल को क्लीन कर लूँगी और फिर एक बार अच्छे से पानी में फिर से धो लूँगी मैं इसको। देखिए इस तरह से क्लीन करना है। आपको मैंने परवल को फिर कैसे स्लाइसेस में काटे हैं, मैंने इसे गोल गोल ऐसे काटा है और इसी शेप में मैंने आलू भी काटा है। आप ऐसे ही बीच से दो भाग करें या तीन भाग करें, ये परवल के साइज़ के ऊपर है, पर हमें ऐसे ही लेना है। और देखें अगर परवल में बीज ना हो तो ये सब्जी ज़्यादा अच्छी बनेगी। परवल और आलू का शेप दोनों एक जैसा ही होना चाहिए। जितने परवल है मैंने उसका हाफ आलू लिया है। आलू भी मैंने छोटे ही साइज़ के लिए हैं ताकि दोनों सेम इक्वल साइज़ में चॉप हो सके। तो इस तरह से आप इन्हें स्लाइसेस में चॉप कर लें। मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, इनको भी स्लाइसेस में काट लिया है। चार हरी मिर्ची है, दो तेज पत्ता है, तीन लाल मिर्च है, थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने। इन दोनों को मैं इसमें कूट लूँगी। इसको कूट के डालेंगे, इसको पीसेंगे नहीं। तो इसको मैं क्रश करके फिर डालूँगी इसमें। और जो ये साबुत गरम मसाले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। बड़ी इलायची है, दालचीनी है और एक ये फ्लावर है, गरम मसाले का ये फ्लावर आता है, गरम मसाला का ही है ये सारा इंग्रेडिएंट। छोटी इलायची है, थोड़े से लौंग है और थोड़ी सी काली मिर्च लिया है मैंने। गरम मसाला का पाउडर भी हम डालेंगे और रूटीन के मसाले हल्दी और नमक तो डलेंगे ही। तो चलें कुकर को मैंने हीट कर लेती हूँ पहले इसको। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल 2 टेबल स्पून जितना लिया है। अभी मैं पहले इसमें परवल को फ्राई करके निकाल लूँगी। अच्छे से फ्राई करेंगे बहुत ही धीमी आंच पे, सिम करके गैस को धीरे धीरे इसको फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी ताकि परवल भी साथ फ्राई होने के साथ साथ थोड़े से गल भी जाएं। और हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी। तो हम इसे ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये सब्जी बनने में टाइम लेती है लेकिन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। अच्छे से पहले मैं इनको फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राई हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी सब्जी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप भी रोस्ट करिएगा इनको। और फिर मैं इसी में फिर से ऑयल ऐड करूंगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ही ऑयल ऐड करेंगे इसमें।
ऑल को अच्छी तरह से हीट हो जाने दें। उसके बाद मैं इसमें फ़ोरन डालूंगी। तेज़पत्ता, हरी मिर्च और सूखे लाल मिर्च जो हैं वो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। जो मैंने प्याज के स्लाइसेस काटे थे उसको हाफ डालेंगे और हाफ में बाद में डालूंगी। थोड़े से जीरे ऐड करूंगी। तो पहले मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी, उसके बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी। हाफ टी स्पून जितना जीरा ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हाफ प्याज के स्लाइसेस जो काटे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से जीरा जब मेरा स्प्लिट हो जाएगा तो भुन चुका है जीरा अच्छी तरह, तो मैं अब यहाँ पे प्याज ऐड कर देती हूँ। इनको एक दो बार मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। एक दो बार और इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं जो बचा हुआ ऑनियन के स्लाइसेस थे उसको भी ऐड कर दूंगी। गैस को मैं थोड़ा सा तेज कर लेती हूँ, प्याज जलने ना पाए, हमें इसका ध्यान रखना है। प्याज अगर जल गई तो स्वाद खराब हो जाएगा, सब्जी का पूरा स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी स्वाद आएगा वो प्याज की वजह से ही आएगा, और कोई हम मसाला नहीं डाल रहे हैं जिसकी वजह से ग्रेवी हमारी गाढ़ी बने। प्याज से ही हमारी ग्रेवी बनेगी। जो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया था उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी, ताकि ये भी अच्छी तरह से इन मसाले के साथ भुन जाए। तो आप क्वांटिटी देख सकते हैं, तकरीबन 7-8 कलियाँ थी लहसुन की और 2 इंची अदरक का टुकड़ा था, उनको एक साथ ही मैंने कूट लिया था। आप ऐसे ही कूट के डालें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है सब्जियों में। तो अच्छे से आप इनको मिक्स कर लें। फिर हम इसमें हल्दी ऐड कर लेते हैं और नमक भी, ताकि आलू भी फ्राई होने के साथ साथ गल जाए। अब मैंने यहाँ पे प्याज भी ऐड कर दिया है। तो ये कुछ जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको आइडिया हो जाएगा, वैसा ही लगेगा टेस्ट में, और जो नहीं खाते हैं वो जान जाएंगे कि नॉनवेज कैसा लगता है टेस्ट में। तो आप ज़रूर बना के इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे हल्दी और नमक इसमें डाल देती हूँ। आलू जितने हैं मैं उसी के अंदाज से नमक डाल रही हूँ, और जो मैं पानी ऐड करूँगी, परवल में नमक मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। आप इसको धीमी आंच करके ही धीरे धीरे ही इनको फ्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला था, ये सब्जी बनने में थोड़ी टाइम लगती है। ये आपको पूरा प्रोसीजर कम से कम 40-45 मिनट लग जाएगा बनाने में, तब जाके आपकी ये सब्जी रेडी होगी। अब जो ये साबुत गरम मसाले थे, खड़े गरम मसाले, उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, थोड़े से काली मिर्च, 2-3 छोटी इलायची बस, और एक ये फ्लावर है। जिनको
स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, कुटा हुआ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, अभी मैं ऐड करूँगी क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइस ज़्यादा खाते हैं, तो मैं इसे अपने टेस्ट के अनुसार बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार बैलेंस कर लीजिएगा। तो मैंने ये इसको ढक के रख दिया था, अब मैं इसको एक बार और मिक्स करते हुए जो परवल फ्राई करके मैंने रखे थे उनको भी ऐड कर दूंगी और इन दोनों को एक साथ मिक्स करके फिर से 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इनको धीमी आंच पे ही हम फ्राई करते रहेंगे धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं अभी ये और थोड़े फ्राई होंगे, मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ, 1 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला का पाउडर लिया है उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इनको ढक के 5 मिनट के लिए और सिम करके मैं फ्राई करूँगी। मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी, आप जब बनाएंगे तो उसको ज़रूर फील करेंगे, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी बनती है ये। तो आप देख सकते हैं अब ये पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ रहा है इसके अंदर। मिर्ची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। पानी बहुत ही बैलेंस डालिएगा, मैंने तकरीबन 1 गिलास जितना ही पानी ऐड किया था इसमें, पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो बहुत ही हल्की ग्रेवी वाली ये सब्जी बनेगी लेकिन बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार होगी, स्वाद में कोई कमी नहीं होगी। और एक लास्ट में 1 टेबल स्पून जितना शुद्ध घी ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका स्वाद और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी सब्जी से, जब आप ये बनाएंगे तो ही आप इसको महसूस करेंगे, आपके घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल जाएगी, खुशबू से ही लोगों का मन करेगा कि इसे खाएं। तो मैं इसका लीड लगाकर 3 या 4 सीटी लगाऊंगी, 2 सीटी आप थोड़ा तेज करके लगाइएगा और 1-2 सीटी आप इसको सिम करके लगाइएगा, फिर इसे अपने आप कूल डाउन होने के लिए छोड़ दीजिएगा, जब स्टीम निकल जाए पूरी तरह से तभी आप खोलिएगा। चलिए चेक करते हैं सब्जी कैसी बनी है, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन कलर आया है इसका, स्वाद तो पूछिए मत, बहुत ही गजब का स्वाद था। तो आइए मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ, ये देखिए आपकी टेस्टी और यम्मी सी सब्जी बनकर तैयार है। तो आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।